नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मनसे द्वारा दिया गया महाराष्ट्र पुलिस को ज्ञापन, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाइए वरना पुलिस स्टेशन के सामने बजाएंगे हनुमान चालीसा। रामदास आठवले ने किया भोजदारी गांव का दौरा, मुख्यमंत्री और आठवले साथ मिलकर सुलझाएंगे जनता के प्रश्न। और वाशिम में व्यापारी से 17 लाख रुपए लूटने के आरोप में चोर हुए गिरफ्तार, पुलिस ने महज 36 घंटे में लगाया चोरों का पता। अब खबरें विस्तार से। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए अब पुलिस को धमकी दी है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पुणे पुलिस कमिश्नर को एक पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवा कर उन्हें सड़क पर रखे, मौलानाओं से सहमति पत्र ले वरना मनसे थाने के सामने हनुमान चालीसा बजा कर अपना विरोध दर्ज करेगी। पुणे मनसे की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया है, लाउडस्पीकर एक सामाजिक मुद्दा है और हम धार्मिक दरार पैदा नहीं करना चाहते, हम अपने फैसले पर अड़िग है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस पत्र के माध्यम से मांग करती है कि पूरे पुणे शहर में लगभग 400 से 450 मस्जिदें हैं, लगभग सभी मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगे हैं जो अनाधिकृत है। लाउडस्पीकरों को हटा दिया जाना चाहिए या उन्हें स्थायी रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि आसपास रहने वाले नागरिकों को इससे निकलने वाली तेज आवाज़ से परेशानी न हो। मनसे ने आगे कहा, हम अजान के खिलाफ नहीं है लेकिन हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि लाउडस्पीकर से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इन सभी मस्जिदों के मौलवी से बात करके पुलिस को एक लिखित रिपोर्ट हमें देनी चाहिए। पुलिस को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे कानून व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट से यह संदेश जाना चाहिए कि मस्जिदों से लाउडस्पीकरों पर अजान नहीं बजाई जाएगी। मार्च महीने के पहले सप्ताह से ही विदर्भ का तापमान बढ़ने लगा है। अप्रैल माह में ही तापमान के आंकड़े ने आसमान छू लिया। 100 वर्षों में पहली बार अप्रैल माह इतना गर्म हो रहा है। अब मौसम विभाग ने दिए हुए इशारे के अनुसार आने वाले दिन विदर्भ के लिए चिंताजनक रहेंगे। 8 मई से विदर्भ में उष्ण लहरें होगी, इसलिए इस महीने का पुराने रिकॉर्ड टूटने की शक्यता खगोल अभ्यासक प्राध्यापक सुरेश चोप ने इन्होंने व्यक्त की। चंद्रपुर जिले में महीने के तापमान का पुराना रिकॉर्ड 48.2 अंश सेल्सियस है। उष्ण लहरें ऐसी ही कायम रही तो यह रिकॉर्ड टूट सकता है। इस वर्ष शुरुआत से ही विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में उष्ण लहरें बह रही है, इस वजह से विदर्भ का तापमान बढ़ा। उष्ण लहरों से होने वाले धोखे को मद्देनजर रखते हुए नागरिकों को अपनों का और खुद का ध्यान रखने का आह्वान किया है। गेल्या मार्च पासून चंद्रपूर आणि विदर्भामध्ये उष्ण लहरी चालू आहे। मधल्या 2-3 दिवसाचा काळ वगळता आत्ता पुन्हा हवामान विभागानं एक इशारा दिलेला आहे की 8 मे पासून पुन्हा विदर्भामध्ये आणि चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये आणि काही इतरही जिल्ह्यामध्ये उष्ण लहरी पुन्हा येणार आहे। म्हणजे असंच अशाच प्रकारे जर उष्ण लहरी मे महिन्यामध्ये यायला लागल्या तर कदाचित मे महिन्याचा जो जुना रेकॉर्ड आहे, जो 48.2 रेकॉर्ड आहे कदाचित, आणि 1 वर्ष 49 रेकॉर्ड आहे, हे रेकॉर्ड पण आता तुटण्याची शक्यता ना करता येत नाही। कारण यावर्षी खूप मोठ्या प्रमाणावर उष्ण लहरी आपल्या विदर्भामध्ये मध्य महाराष्ट्रात आल्या आणि हाच ट्रेंड जर राहिला तर निश्चितच तापमान 47 आणि 48 डिग्री निश्चितच क्रॉस होण्याची शक्यता आहे। तेव्हा नागरिकांनी निश्चितच काळजी घ्यावी आणि आपल्या आरोग्याची आणि बाकीच्याही सर्व गोष्टीची आणि काळजी घेतली पाहिजे। 10 मई को आदित्य ठाकरे और 14 मई को उद्धव ठाकरे नांदेड दौरे पर निकलेंगे। इसकी तैयारी करने के लिए शिवसेना प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक ली गई। इस बैठक में दोनों नेताओं के जल्लोष में स्वागत किए जाने का नियोजन किया गया है। मुख्यमंत्री होने के बाद से उद्धव ठाकरे इनका यह पहला नांदेड़ जिला दौरा होने की वजह से अविस्मरणीय रहे, इसलिए प्रयत्न किए जाने का नियोजन बैठक में किया गया। आज नांदेड़ रेस्ट हाउस से शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे साहब 10 तारखेला आमदार बालाजीराव कल्याणकर मतदारसंघामध्ये आरोग्य उपरुग्णालय दवाखान्याचं भूमिपूजन आहे आणि कासारखेडा इथे आसना ब्रिजचं उद्घाटन आहे, त्याचं पण भूमिपूजन आहे।
आणि 14 तारखेला पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या हस्ते हेमंतभाऊ पाटील यांच्या गोदावरी अर्बन बँकेचं मुख्य इमारतीचं उद्घाटन आहे. त्या दोन्ही कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने शिवसेनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलवली होती नांदेड गेस्ट हाऊस इथं, आणि जिल्ह्यातून सर्व शिवसैनिकांना निमंत्रण आमदार बालाजीराव कल्याणकर आणि खासदार हेमंतभाऊ पाटील यांच्याकडून सर्वांना निमंत्रण दिलेलं आहे. आणि त्या शिवसैनिकांनी आपला दोन्ही नेते नांदेडमध्ये येत असल्यामुळं जंगी स्वागत करून दोन्ही कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी आजची बैठक होती. जी आम्ही सर्व शिवसैनिक सर्व पदाधिकारी आणि तिन्ही जिल्हा प्रमुख पूर्ण शहर प्रमुख महाप्रमुख सर्व तालुका प्रमुख आज बैठक आयोजित केली गेस्ट हाऊसला. त्या बैठकीचं नियोजन म्हणजे दौऱ्याचं आदित्य साहेब आणि 10 तारखेचं आणि 14 तारखेचं एक शरद पवार CM साहेब असं दौरा आहे त्याचा. त्या दौऱ्यानुसार आज बैठक आयोजित केलेली आहे. त्या बैठकीला पूर्ण आम्ही आढावा घेऊन नियोजित काय करायचं आणि काय पुढे कार्यक्रम पुढे कसा यशस्वी करायचा आपल्याला त्याबद्दल हे नियोजन होतं. त्याच्याबद्दल बैठक अशी झाली की येणाऱ्या काळा 4 दिवसामध्ये आमची एक भूमिपूजनचं उद्घाटन नांदेड जिल्ह्यामध्ये मतदारसंघामध्ये एक आसना पूल बांधकाम याचं एक उद्घाटन आहे 10 तारखेला, आणि दवाखाना उपजिल्हा रुग्णालय आणि इमारत बांधकाम त्याचे उद्घाटन भूमिपूजन हे दोन्ही 10 तारखेचे उद्घाटन आहे त्याचंही नियोजन लावलं. नंतर 14 तारखेचं जे मुख्य गोदावरी बँक त्याचं मुख्य कार्यालयाचं उद्घाटन त्याचं नियोजन लावून हे पूर्ण आढावा घेतला. आढावा घेऊन सूचना देण्यात आली की काय करायचं पुढे आणि कसं एक भगवमय वातावरण झालं पाहिजे शहरामध्ये, आणि नेत्याचं स्वागत चांगलं यशस्वी पूर्ण दोन्ही दौरे आणि दोन्ही जे उद्घाटन भूमिपूजन ते चांगले झाले पाहिजे त्याच्याबद्दल ही बैठक आयोजित केली होती. आणि या बैठकीला 10 तारखेच्या माननीय परिवहन मंत्री आदित्य ठाकरे साहेब आणि 10 तारखेला भूमिपूजन त्यांच्या हस्ते आहे, आणि आसना पूल बांधकाम आणि जे दवाखाना उपजिल्हा रुग्णालयाचं वाडी येते उपजिल्हा रुग्णालय ते आपण त्याचंही भूमिपूजन 10 तारखेला ठेवण्यात आलेलं आहे. आणि 14 तारखेला मुख्य गोदावरी बँक कार्यालय त्याचंही उद्घाटन 14 तारखेला ठेवण्यात आलेलं आहे. त्याच्याबद्दल 14 तारखेला शरद पवार महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे बाकी महाविकास आघाडीचे नेते आणि 10 नितीन गडकरी आणि पूर्ण 10 तारखेलासुद्धा महाविकास आघाडीचे नेते नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री सार्वजनिक आरोग्यमंत्री जे राजेश टोपे हे बी उपस्थित राहणार आहेत, आणि उदय सामंत साहेब मंत्री महोदय हे सुद्धा उपस्थित राहणार आहेत. याचा आढावा घेऊन पूर्ण नियोजित बैठक होती. या बैठकीला कसा यशस्वी दौरा पूर्ण चांगला झाला पाहिजे त्याच्याबद्दल बैठक झाली. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवलेने सहपरिवार संगमनेर तालुका के अतिदुर्गम भोजदारी गाव की यात्रा की और विविध विकास कामों का उद्घाटन किया है. रामदास आठवले इन्होंने भोजदारी गांव का दौरा किया और इस जगह आयोजित की गई सभा में उपस्थित हजारों बहुजन बांधवों को संबोधित किया. इस समय रामदास आठवले ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और हमारे बीच फिलहाल मतभेद चलने के बावजूद जनता के प्रश्नों को सुलझाने के लिए हम मतभेदों को दुर्लक्षित कर साथ काम करेंगे. इसी प्रकार शिरडी मतदार संघ से लोकसभा के लिए चुनाव लड़े जाने का विचार करने की जानकारी आठवले ने दी. अपने हास्यमय कविताओं के आधार पर उन्होंने भोजदारी में उपस्थित जनता का दिल जीत लिया. तर आपल्या शायरांची गाणी आहे की कुणाचं योगदान आहे लाल बत्तीच्या गाडीला. मी तर अनेक वेळेला सांगतोय की माझ्या भीमाचं योगदान आहे माझ्या लाल बत्तीच्या गाडीला. माझ्या भीमाचं योगदान आहे लाल बत्तीच्या गाडीला, म्हणूनच मी आलोय तुमच्या भोजदारी वाडीला. जर कोणी हात लावला माझ्या दाढीला तर आग लावून टाकेल मी त्याच्या माडीला. जर कुणी हात लावण्याचा विषय अजिबात नाही आहे. माझ्या दाढीला कोणी हात लावत नाही, मी कुठं आग लावत नाही. त्यामुळे आग लावण्याचा विषय नाही आहे. बाबासाहेबांचं तत्वज्ञान हे आग विझवण्यासाठी आहे. आमचे माननीय दादासाहेब रुपवते हे रिपब्लिकन पक्षाचे मोठे नेते होते. ते या ठिकाणी आले होते. संघराज रुपवते त्यांचे चिरंजीव आहे, आणि ते
प्रॉपर अकोल्याचे राहणारे होते. प्रत्येक वर्षाला भंडारदऱ्याला त्यांचा मोठा भव्य अशा पद्धतीचा धम्म मिळावा व्हायचा. माझे आणि त्यांचे अत्यंत जवळचे संबंध होते. अत्यंत चांगल्या दिलदार मनाचा माणूस होता. खुदखुद हसणार अशा पद्धतीचा होता. दलित पॅंथरच्या मुव्हमेंट बद्दल त्यांना प्रचंड अशा पद्धतीचा आदर होता. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे ज्यावेळेला अध्यक्ष होते त्यावेळेला मी अनेक वेळेला त्यांना तिथे जाऊन भेटलेलो आहे. अशा पद्धतीनं या जिल्ह्यामध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं जे नेतृत्व आहे हे नेतृत्व आपल्याला मिळालेलं होतं. दादासाहेब रूम होते. पुसद से 5 किलोमीटर के अंतराल पर स्थित कोपरा फाटा के पास पुलिया के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का मृतदेह पाए जाने से अफरा तफरी मच गई. आज 7 मई को शहर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले कोपरा फाटा के पास स्थित पुलिया के नीचे 9 से 10 बजे के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति का मृतदेह प्राप्त हुआ. घटना की पार्श्वभूमि को देखते हुए एक व्यक्ति के पानी में गिरने से उसकी मौत हुई होगी ऐसा पता चला है, लेकिन घटना के पीछे का पूरा सच जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस वजह से व्यक्ति की जान गई होगी. अभी की स्थिति में घटना की जगह का पंचनामा हो रहा है. व्यक्ति की पहचान अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन व्यक्ति के पास कुछ कागजात मिले हैं. उन्हीं कागजों के आधार पर पुलिस व्यक्ति की जानकारी निकालने का प्रयास कर रही है. इस घटना की जांच पुलिस स्टेशन के थानेदार दिनेश चंद्र शुक्ला इनके मार्गदर्शन में हो रही है. ऐश्वर्या शिंदे के साथ पुसद यवतमाल से अजीत महिंद्री की रिपोर्ट. खबरों के सिलसिले में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhi Nagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बार बार उठो बैठो उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है. महाराष्ट्र सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है. रालेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अशोक उइके ने दर्शकों का मार्गदर्शन करते हुए जनाक्रोश आंदोलन का नेतृत्व किया. इस आंदोलन का नेतृत्व अशोक उइके ने सरकार के खिलाफ किया था. इस जनाक्रोश मोर्चा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय से की गई थी. शतकारी के किसान और तालुका से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूदा सरकार के विरोध की घोषणा करते हुए शहर के मुख्य मार्ग पर उपमंडल कार्यालय पहुंचे. अशोक उइके ने यवतमाल जिले के भाजपा महासचिव एडवोकेट प्रफुल्ल सिंह चव्हाण ने सरकार के भ्रष्टाचार और कार्यशैली पर सवाल उठाया. इसके बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश काले से अनुरोध किया और उनसे अनुरोध पत्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को देने को कहा. नियमित देनदारों के खाते में तत्काल 50,000 रुपये का भुगतान किया जाए.
तत्काल वैधानिक विकास निगम का गठन किया जाए, रोजगार गारंटी योजना की तत्काल गारंटी दी जाए। जनाक्रोश आंदोलन में ऐसी कई मांगे की गई। वाशिम में रोशनी ट्रेडिंग के निर्देशक चंद्रलाल जीवनानी से 3 की रात को उनकी मोटरसाइकिल रोककर 4 लुटेरों ने 17 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने कहा है कि पुलिस ने महज 36 घंटों में चोरों का पता लगा लिया है। इसी बीच 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके पास से 6,50,000 नगद और 1 मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए। सायंकाली 8 बजता बिजनेसमैन चंद्रकांत जीवनानी याचेवर रॉबरी झालेली होती। या रॉबरीमध्ये 17 लाख रोकड हे रक्कम चोरट्यांनी चोरून गेले होते। याची तपाससाठी वेगळेवेगळे पथक निर्मिती करण्यात आले होते, त्यामध्ये LCB चे पथक आणि वाशिम सिटीचे पथक होते। आम्ही स्वतः त्या ठिकाणी भेट दिली होती, त्यामध्ये आमचे अधिकारी API मोहनकर, PSI पठाण आणि त्याचे सोबतचे कर्मचारी यांनी 4 आरोपीला काल रोजी ताब्यात घेऊन हा गुन्हा उघड केलेला आहे। त्यामध्ये मुख्य आरोपी अनुपम मदन चिंचाबेकर आहे, त्याचे अतिरिक्त बादशाह उर्फ अजय शिवराम राऊत, आकाश आत्माराम चोपडे आणि अरुण भरत खडसे हे 4 लोकांचा सहभाग लक्षात आल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे आणि त्याच्याकडून 7.5 लाखाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये 6.5 लाख रोकड आणि बाईक आणि इतर मोबाईल आहे। राहिलेले रोकडचे रिकव्हरीसाठी पण आमची टीम प्रयत्न करत आहे। याच्या अतिरिक्त हे सर्व 4 आरोपीच्या इतर गुन्ह्यामध्ये काही सहभाग वगैरे आहे का याचे बदल पण आम्ही खात्री करत आहे। ठाणे के मुमरा परिसर में छोटे बच्चों से चोरी करवाने वाली टोली सक्रिय हुई है। मुमरा के गुलाब पार्क मार्केट में यह घटना घटी है। दुकान में कुछ महिलाएं आई और उनके साथ एक छोटी बच्ची भी आई। इस समय महिलाओं ने दुकानदार को बातों में व्यस्त रखा और छोटी सी बच्ची ने गले से 11,000 रुपए चुरा लिए। पैसे निकालने के बाद सभी महिलाएं दुकान से भाग गई। ठाणे के मुमरा परिसर के गुलाब पार्क मार्केट परिसर में स्थित सागर कॉस्मेटिक्स इस होलसेल की दुकान में 4 महिलाएं आई और दुकान मालिक को बातों में व्यस्त रखा। इसी का फायदा उठाकर साथ आई एक छोटी सी बच्ची ने दुकान के गले से पैसे चुराए। इस छोटी बच्ची ने साथ आई महिला के हाथ से थैली लेकर गले से 11,000 रुपए गायब किए। पैसे चुराने के बाद एक दूसरे को इशारा कर महिलाएं वहां से भाग गई। ये पूरी घटना दुकान में लगे CCTV में कैद हो गई है, लेकिन इस सक्रिय हुई महिलाओं की टोली ने मुंबई के कारोबारियों में तनाव बढ़ते जा रहा है। और कितने की चोरी हुई है? कल करीबन 2 बजे सब नमाज पढ़ने गए थे और 2 बजे चार लोग आए आके ही एंट्री करते हैं, बोलते कपड़े चाहिए। उन लोगों का फिरा के ही था चोरी करने का। वो लोग आए अंदर घुसे सब जगह, मतलब फैल गए। वो लोग 4 लोग थे टोटल। एक लड़की थी बाजू में, उसका ध्यान भटका है। वहाँ पे एक जन थी, यहाँ पे एक जन, वहाँ पे एक जन, वहाँ पे एक जन, टोटल 4 लोग थे। 4 लोग सबका ध्यान भटका है। ध्यान भटकाने के बाद एक बच्ची थी, बच्ची गई गले में पूरा छानी के कहाँ कहाँ पैसे है कहाँ पैसे नहीं है। तो आई मास के पास से झोला ली, झोले में गई, वहाँ पर पूरा पैसा उसने अपने बैग में पूरा डाल ली। कितना पैसा रहा होगा? करीबन 11,000 से। 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोर OLX कंपनी की वेबसाइट पर जाकर गाड़ी खरीदने का नाटक कर गाड़ी लेकर एक राउंड मारने का दावा करते हुए भाग जाते थे। कार की नेम प्लेट बदलकर और अपनी नेम प्लेट और RC बुक होने की वजह से किसी को भी आरोपी पर शक नहीं होता था। नेरुल और खंडेश्वर पुलिस थानों की सीमा के भीतर 2 KTM चोरी हुई। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार किया है। एक नवीन मोडस है OLX वर आपण पाहतो की आपण तुम्ही पण कधीतरी तुमचं काही जुन्या वस्तू आपण विकतो आणि जाहिरात देतो आपण त्याच्यावर, याचा बेनिफिट घेणारे बरेचसे मंडळी त्यांनी एक नवीन मोडस आहे। ही गाडी कुठली आहे तुमची? गोरे KTM गाडी कुठली तरी आहे, 2-व्हीलर KTM गाडी आहे। तर ह्या गाड्यांची चोरी करणारी ही गँग आहे। हे दोघेही राहणारे आसामचे आहेत। OLX वर ज्यांनी जाहिरात दिली माझी गाडी विकायची, की त्यांच्याशी ते दुसऱ्याच्या नावावर घेतलेला मोबाईल आणि बनावट सिमकार्डच्या माध्यमातून ते कॉन्टॅक्ट करायचे आणि ते त्यांना सांगायचे की आम्ही तुमची गाडी घेऊ, चांगल्या किमतीमध्ये घेऊ, आणि मग ते त्याचा विश्वास संपादन करायचे आणि मग गाडी घ्यायला यायचे आणि एक राऊंड मारतो म्हणून घ्यायचे, राऊंड मारून गाडी घेऊन जायचे।
अशा प्रकारच्या अनेक गाड्या त्यांनी चोरल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे. नवी मुंबईमध्ये एकाच दिवशी नेरूळ आणि खांदेश्वरला दोन गुन्हे दाखल झाले, CR 115 आणि 146, 420 आणि 406 तर याचा मोडस बघितल्यानंतर लक्षात आलं की हे दोन्ही गुन्हे एकाच गँगने केलेले असावेत. युनिट 2 सिनियर इन्स्पेक्टर श्री गोरे यांच्या पथकानं यामध्ये दोन आरोपींना अटक करण्यात ते यशस्वी झाले आणि ह्या गाड्या ज्या आहेत एकूण 5 गाड्या हे जे पॅकिंग करून त्या गाडी ताब्यात घेतल्यानंतर ते तिची नंबर प्लेट त्यांच्याकडे जी ऑलरेडी KTMची गाडी आहे तिचं नंबर प्लेट लावायचे आणि तिचंच RC बुक्स ते वापरायचे जेणेकरून प्रवासामध्ये कुणालाही संशय येऊ नये किंवा चेक केलं तरी RC बुक आणि नंबर तो बरोबर जुळायचा कारण बाकी इंजिन नंबर बघायला कोणी एवढी जास्त बघत नाही याचा ते बेनिफिट घेत होते. एकूण 5 गाड्या याच्यामध्ये जप्त केलेल्या आहेत. 5,50,000 रुपयाचा मुद्देमाल युनिट 3 सिनियर इन्स्पेक्टर श्री गोरे आणि त्यांच्या टीमने जप्त केलेला आहे. दोन आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे, दोघेही आसामचे. बुलडाना जिले के शेगांव ग्रामीण पुलिस स्टेशन के परिसर में बड़े पैमाने पर पूर्णा नदी की रेत निष्कर्षण और यातायात होने की जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक को मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाकर शेगांव ग्रामीण पुलिस को अनभिज्ञ रखकर पूर्णा नदी की रेत JCB की सहायता से अवैध तरीके से उत्खनन करके यातायात करने के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार करके उनके पास से रेत यातायात करने वाले JCB और 5 ट्रैक्टर ऐसे कुल मिलाकर 35 लाख का माल जब्त हुआ है. इस कार्रवाई की वजह से शेगांव ग्रामीण पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं. VKB न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही. अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए VKB न्यूज के साथ. तब तक नमस्कार.